हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दोस्तों CSIR ने दिसंबर 2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, और ये जो क्वेश्चन है वो टॉपोलॉजी में से पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप CSIR नेट IIT एग्जाम गेट जैसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के सॉल्यूशन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। लेट एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट, कंसीडर द टॉपोलॉजी टाउ ऑन एक्स हुज नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट्स। यहां पर हमें एक सेट दिया गया है इनफाइनाइट सेट एक्स, उस पर एक टॉपोलॉजी डिफाइन करके दी गई है। उसके जो नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स है वो किस टाइप के है, वो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट्स है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, तो ये जो टॉपोलॉजी है वो वेल नोन टॉपोलॉजी कोफाइनाइट टॉपोलॉजी है। अब क्या पूछा गया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि ये जो नीचे चार स्टेटमेंट दिए गए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमें वो फाइंड करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है एक्स इज डिसकनेक्टेड, दूसरा ऑप्शन है एक्स इज कॉम्पैक्ट, तीसरा ऑप्शन है नो सीक्वेंस इन एक्स इज कन्वर्जिस इन एक्स, और लास्ट ऑप्शन है एवरी सीक्वेंस इन एक्स इज कन्वर्जिस टू यूनिक पॉइंट इन एक्स। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डिसकनेक्टेड और कॉम्पैक्ट। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डिसकनेक्टेड सेट किसे कहते हैं, कॉम्पैक्ट सेट किसे कहते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, तो देखते हैं। यहाँ पर पहली डेफिनेशन है कनेक्टेड स्पेस की। अ स्पेस एक्स इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड नॉन एम्प्टी सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इज इक्वल टू एम्प्टी। यानी कि एक्स के कोई भी दो नॉन एम्प्टी सबसेट लो और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये जो एक्स है वो कैसा है, कनेक्टेड स्पेस। अ स्पेस विच इज नॉट कनेक्टेड इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड, और जो स्पेस कनेक्टेड नहीं होता वो कैसा होता है, डिसकनेक्टेड। तो ये थी डेफिनेशन कनेक्टेड स्पेस की। और नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा हुआ है, अ स्पेस एक्स इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एक्स हैज एक्स एंड फाई आर द ओनली सबसेट्स विच आर बोथ ओपन एंड क्लोज। यानी कि कोई भी स्पेस कनेक्टेड कब होगा, जब उसके पास x एंड phi के अलावा कोई भी सबसेट ओपन एंड क्लोज नहीं होना चाहिए, तब x को क्या कहेंगे हम, कनेक्टेड स्पेस। अब नीचे कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ स्पेस x इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ x कंटेन्स अ फाइनाइट सब कवर विच कवर्स एक्स। यानी एक्स के हर एक ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर होना चाहिए जो एक्स को कवर करता हो, तब हम क्या कहेंगे एक्स को, कॉम्पैक्ट स्पेस। अब नीचे आप एक डेफिनेशन लिखिए, सीक्वेंस कन्वर्जेंस कब होती है। तो यहाँ पर लिखिए डेफिनेशन, लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस इन स्पेस एक्स, देन सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेंस टू वाई इन एक्स इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी ओपन सेट यू कंटेनिंग वाई देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन सच दैट फॉर एवरी इंटीजर स्मॉल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन एक्स एन बिलोंग्स टू यू। यानी कि कोई भी सीक्वेंस एक्स एन वाई पे कन्वर्ज कब करेगी, जब वाई का हर एक ओपन सेट उसके लिए हमें एक पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन मिलना चाहिए कि जो उसके बाद के टर्म, यानी कि एक्स कैपिटल एन प्लस वन एक्स कैपिटल एन प्लस टू
ये जो सारे टर्म्स है वो कहाँ बिलोंग करने चाहिए, वो जो हमने ओपन सेट लिया था वाई को कंटेन करने वाला उसमें बिलोंग करने चाहिए। तब ये जो सीक्वेंस है उसको हम क्या कहेंगे, एक्स एन कन्वर्ज इज टू वाई। तो ये इफ एंड नॉन लीफ रिजल्ट है। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो यहां पर तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हियर गिवन कैपिटल एक्स इज ए इनफाइनाइट सेट। और ये जो सेट है इनफाइनाइट सेट एक्स उसके पर एक टॉपोलॉजी डिफाइन करके दी गई है हमें। तो वो क्या है लिखते हैं यहां पर टाउ, उसमें कैसे सबसेट आएगा, यहां पर ए सबसेट ऑफ एक्स सच दैट क्या लिखा गया है, नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट्स। तो हमें पता है दोस्तों ये जो टाउ होता है उसमें जो सबसेट्स आते हैं वो क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। यानी कि हमने यहां पर ए सबसेट एक्स लिया है तो ए कब ओपन होगा, सबसे पहले ये तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए क्योंकि हमें यहां पर क्या दिया गया है, नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट। और टॉपोलॉजी डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले तो उसमें फाई होना चाहिए और फिर पूरा एक्स होना चाहिए और फिर पूरा सेट एक्स होना चाहिए। तो यहां पर हमने फाई को इंक्लूड कर लिया। और जब ए एम्प्टी ना हो यानी कि नॉन एम्प्टी हो तब वो कैसा होगा, ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ओ फॉर वेयर ओ इज फाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट क्या आया, ए आया। तो इसका मतलब ए क्या हुआ, ओपन सेट। तो इसको हम दूसरी तरह से लिखे यहां पर टर्म में, अब किस तरह के सबसेट होंगे, यहां पर ए सबसेट एक्स सच दैट ए इज इक्वल टू फाइव होना चाहिए सबसे पहले। और अब यहां पे मैं दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या आएगा, यहां पर इज इक्वल टू ओ आएगा और ओ क्या है यहां पर, फाइनाइट। तो इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाइनाइट। और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, इज अ फाइनाइट। तो दोस्तों ये जो टॉपोलॉजी है वो हमने स्टडी की हुई है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोफाइनाइट टॉपोलॉजी। टॉपोलॉजी ऑन एक्स। अब दोस्तों ये जो टॉपोलॉजी है उसमें से मैं कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट लेता हूं, यहां पर से लेट ए इज नॉट इक्वल टू फाइव एंड ए बिलोंग्स टू टाउ, दैट इज ए इज एन ओपन सेट एंड नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी लिया हुआ है हमने। अब दोस्तों ये जो मैंने ओपन सेट ए लिया है वो कभी फाइनाइट सेट हो सकता है, तो यहां पे मैं लेता हूं सपोज ए इज अ फाइनाइट, ये हमने मान लिया कि सपोज ए इज अ फाइनाइट। अब दोस्तों ये ए कहां बिलोंग करता है, इन टॉपोलॉजी टाउ। अब टाउ में बिलोंग करेगा इसका मतलब ए इज इक्वल टू फाइव होगा या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट होगा। और हमने यहां पर ए कैसा लिया है, नॉन एम्प्टी, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट। सो बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ क्या लिख सकते हैं हम, ए कॉम्प्लीमेंट इज अ फाइनाइट। अब दोस्तों मैं एक्स को इस तरह से लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहां पर क्या लिखा मैंने, ए यूनियन एक्स माइनस ए। और यहां पर मैंने ए को क्या माना है, ए इज अ फाइनाइट, यानी कि ये जो सेट है वो कैसा है, फाइनाइट। और ये जो सेट है ए कॉम्प्लीमेंट वो भी कैसा है, फाइनाइट।
तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा, फाइनाइट। अब यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, लेकिन हमें यहां पर एक्स के साथ दिया है इनफाइनाइट सेट। सो हियर एक्स बिकम फाइनाइट सेट, बट हियर वी हैव गिवन एक्स इज एन इनफाइनाइट सेट। तो इसका मतलब ये जो एजम्पशन है यहां पर, सपोज ए इज अ फाइनाइट सेट, वो कैसा एजम्पशन है, रॉन्ग एजम्पशन है। तो इसका मतलब ए कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। कब इनफाइनाइट सेट होगा, जब ए नॉन एम्प्टी हो, जब ए एम्प्टी होगा तो वो फाइनाइट होगा। यानी कि ये जो टॉपोलॉजी ली है हमने टाउ, उसमें जो सारे नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट सेट्स होंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, दस एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स ऑफ एक्स इज एन इनफाइनाइट सेट, इज एन इनफाइनाइट। तो ये हमें रिजल्ट यहां पर याद रखना है, आगे इस क्वेश्चन में हमें काम आएगा ये। अब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, एक्स इज डिसकनेक्टेड। तो देखते हैं पहले ऑप्शन के लिए, यहां पर फॉर ऑप्शन वन क्या है, एक्स इज डिसकनेक्टेड। अब सपोज मान लेते हैं ये जो स्टेटमेंट वन है वो कैसा है, ट्रू। सपोज एक्स इज अ ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि एक्स इज अ डिसकनेक्टेड सेट। डिसकनेक्टेड का मतलब नॉट कनेक्टेड। और हमने यहां पर एक रिजल्ट देखा है, क्या है रिजल्ट यहां पर, अ स्पेस एक्स इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एक्स एज एक्स एंड फाई आर द ओनली सबसेट विच आर बोथ ओपन एंड क्लोज। यानी कि एक्स कनेक्ट के होगा तो उसके पास एक्स और फाई के अलावा कोई भी सबसेट नहीं होगा जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो। और हमने यहां पहले ऑप्शन में क्या माना है, एक्स इज डिसकनेक्टेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के पास एक सबसेट होगा जो ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, और वो एक्स एंड फाई से डिफरेंट होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, बाय नॉन रिजल्ट देयर एग्जिस्ट A belongs to tau such that A not equal to phi and A not equal to x and A is both open and closed। तो चलिए देखते हैं यहां पर, now here A is closed। अब तो ये जो सेट लिया है हमने A वो क्लोज है, तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। तो इसका मतलब दैट इज A कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अब यहां पर A कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट कहां बिलोंग करेगा, इन टॉपोलॉजी। यानी कि दैट इज A कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू tau। अब दोस्तों ये जो A कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर A हमने क्या लिया है, A इज नॉट इक्वल टू x, तो A का कॉम्प्लीमेंट कभी भी phi नहीं आएगा। एंड हियर मैं लिख सकता हूं, एंड A कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू phi। अब tau की डेफिनेशन क्या थी, वो phi नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कैसा होगा, फाइनाइट। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है
उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाइनाइट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ, ऑफ टाउ क्या लिख सकता हूं, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज अ फाइनाइट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, खुद ए ही आएगा, दैट इज ए इज अ फाइनाइट। अब दोस्तों ये जो ए, ए कैसा है, ये ओपन भी है एंड क्लोज भी है। तो यहां पर से मैं क्या लिख सकता हूं, हियर ए इज ओपन एंड फाइनाइट। और हमने यहां पर आगे क्या प्रूव किया, क्या प्रूव किया, एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स ऑफ एक्स इज एन इनफाइनाइट। और यहां पे ए, ए कैसा है, नॉन एम्प्टी है, और ए कैसा है, यहां पर ओपन भी है और फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्स इज डिसकनेक्टेड, वो कैसा है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब पहला आंसर रॉन्ग है, यहां पर पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, एक्स इज कॉम्पैक्ट। तो यहां पर देखते हैं फॉर ऑप्शन टू, फॉर ऑप्शन टू क्या है, एक्स इज कॉम्पैक्ट। हमें यहां पर एक्स को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मैं कोई भी ओपन कवर लू और उस ओपन कवर में से हमें एक फाइनाइट सब कवर फाइंड करना पड़ेगा जो एक्स को कवर करता हो। जो हमने वो फाइंड कर लिया तो इसका मतलब एक्स क्या होगा, कॉम्पैक्ट। तो चलिए मैं एक ओपन कवर लेता हूं, लेट स्क्रिप्टेड सी बी एन एनी ओपन कवर ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x है वो c के जब सारे ओपन सबसेट हो गए उससे कवर होगा, यानी कि दैट इज x इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ a बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड c और यहां पर a, यानी कि c के जो सारे एलिमेंट है उससे ये कवर होगा x। अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने ओपन कवर लिया है यहां पर ये वाला, उसके पास फाइनाइट सब कवर है कि नहीं वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं हम यहां पर, हियर ए बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड सी, that is A is an open set, ये कवर कैसा है, ओपन कवर, यानी कि जो इसके एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, ओपन सेट्स होंगे। यहां पर मैं A डैश ले लेता हूं क्योंकि यहां पर जो मैंने A लिखा है और ये जो सेट लिया है मैंने उसमें कंफ्यूजन ना रहे, यानी कि A डैश हमने यहां पर ओपन सेट लिया है। अब ए डैश ओपन सेट है तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ ए डैश कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट होगा तो मैं यहां पर ले लेता हूं, सपोज ए डैश कॉम्प्लीमेंट, उसमें सपोज फाइनाइट एलिमेंट है, सपोज मान लेता हूं स्मॉल एक्स वन, स्मॉल एक्स टू और टू स्मॉल एक्स एन, ये है एक ए डैश कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब यहां पर जो स्मॉल एक्स आई वो कहां बिलोंग करते होंगे, इन द सेट कैपिटल एक्स। अब दोस्तों यहां पर गौर से देखिएगा, मैं जो ये सेट है कैपिटल एक्स उसको इस तरह से लिख सकता हूं, हियर एक्स इज रिटन एज ए डैश यूनियन ए डैश कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से लिख सकता हूं।
और ये जो सेट है एडीएस कॉम्प्लीमेंट, उसमें कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर, फाइनाइट एलिमेंट है, यानी कि ये जो एडीएस ओपन सेट लिया है हमने वो एक्स को कवर करेगा, और जब कवर करेगा तब कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स ही कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो फाइनाइट एलिमेंट्स के अलावा जो सारे एलिमेंट्स होंगे एक्स के, वो सारे एलिमेंट्स ये जो एडीएस है उससे कवर हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्स वन है, एक्स वन कहाँ बिलोंग करता है, इन द सेट एक्स, तो यहाँ पर ये जो ओपन कवर है उसमें एक्स को, उसमें स्मॉल एक्स वन को कवर करता हो, ऐसा कोई ना कोई तो ओपन सेट होगा ना यहाँ पर, तो उसको मैं मान लेता हूँ, सपोज वो ओपन सेट ए वन है। नाउ यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, नाउ एक्स वन बिलोंग्स टू ए वन, उसी तरह एक्स टू को कवर करने वाला कोई ओपन सेट होगा, एक्स टू बिलोंग्स टू ए टू, तो सिमिलरली एक्स एन के लिए कोई ओपन सेट होगा ए एन, वेयर ए आई बिलोंग्स टू स्क्रिप्टेड सी, यानी कि ये जो ए आई है वो कैसे है, ओपन सेट से। अब दोस्तों मैं एक ओपन कवर डिफाइन करता हूं यहां पर, नाउ एडीएस यूनियन ए वन यूनियन ए टू यूनियन अप टू यूनियन ए एन, यहां पर जो एडीएस ए वन ए टू ये सब क्या है, ओपन सेट से, और ये जो एलिमेंट लिए हमने, यानी कि ये जो हमने ओपन सेट लिए वो कहां से लिए, स्क्रिप्टेड सी में से। अब दोस्तों हमने यहां पर क्या देखा, जो एक्स है उसको जब एडीएस से कवर करेंगे तो एक्स के कुछ फाइनाइट एलिमेंट से कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन फाइनाइट एलिमेंट के अलावा जो सारे एलिमेंट होंगे वो सब एडीएस से कवर हो जाएंगे, लेकिन जो फाइनाइट एलिमेंट कवर नहीं हो पाते उसके लिए मैं ओपन सेट डिफाइन करता हूँ। जैसे कि एक्स वन कवर नहीं होता तो इसके लिए ए वन ओपन सेट लिया मैंने, एक्स टू कवर नहीं होता तो मैंने उसके लिए ए टू ओपन सेट लिया, उसी तरह मैं एक्स एन के लिए ए एन ओपन सेट लिया। अब इसका मतलब एडीएस के साथ वो जो सारे ओपन सेट है ए वन ए टू ए एन उसको मैं जोड़ लूँ, तब वो जो ओपन सेट बनेगा यानी कि वो जो कवर बनेगा एक्स के सारे एलिमेंट को कवर कर लेगा, यानी कि नाउ हियर वी कैन सी दैट एक्स कवर बाय एडीएस यूनियन ए वन यूनियन ए टू यूनियन अप टू यूनियन ए। अब यहां पे देखिए दोस्तों कितने ओपन सेट है, यहां पर फाइनाइट ओपन सेट है, तो इसका मतलब ये जो हमने ओपन कवर लिया था यहां पर स्क्रिप्टेड सी, कोई भी ओपन कवर था, तो उसके पास एक फाइनाइट सब कवर है जो एक्स को कवर करता है। सो हियर स्क्रिप्टेड सी हैज अ फाइनाइट सब कवर विच कवर्स एक्स, यानी कि ये जो एक्स सेट है वो कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकता हूं दैट इज एक्स इज अ कॉम्पैक्ट सेट, यानी कॉम्पैक्ट स्पेस। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है क्या है, एक्स इज अ कॉम्पैक्ट, वो कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट, नो सीक्वेंस इन एक्स इज कन्वर्ज इन एक्स, तो देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर थ्री, क्या है ऑप्शन, नो सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जिस इन एक्स। यहां पर दोस्तों मैं एक सीक्वेंस लेता हूं, लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन एक्स सच दैट, जो उसके टर्म है यानी कि यहां पर एक्स एन
एक्शन को मैंने डिफाइन किया एक्शन इज इक्वल टू ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब यहां पर जो मैंने ए लिया है वो कहां बिलोंग करता है इन एक्स। अब दोस्तों मुझे यहां पर ये प्रूव करना है ये जो सीक्वेंस एक्शन है वो कहां कन्वर्ज करती है ए पर कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब ए पर कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा ए के हर एक ओपन सेट में ये जो सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म शोड कर सीक्वेंस के सारे टर्म उस सेट में बिलोंग करने चाहिए। यहाँ पर हमने पहले डेफिनेशन देखी है सीक्वेंस कन्वर्जेस टू वाई क्या होता है इसका मतलब इफ फॉर एवरी ओपन सेट यू कंटेनिंग वाई देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट फॉर एवरी इंटीजर स्मॉल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन एक्स एन बिलोंग्स टू यू। यानी वाई के सारे ओपन कवर क्या करने चाहिए ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर एक्शन उसके कुछ फाइनाइट टर्म को शॉर्ट कर सीक्वेंस के सारे टर्म उस सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोई भी ओपन सेट लेता हूँ यहाँ पर लेट वी बी एनी ओपन सेट कंटेनिंग ए। अब हमें क्या प्रूव करना है ये जो V है यानी कि ओपन सेट उसमें सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म को शॉर्ट कर सीक्वेंस के सारे टर्म V में बिलोंग करने चाहिए। तो देखते हैं यहां पर हियर V कैसा है ओपन सेट है यानी कि V कहां बिलोंग करेगा टाउ में बिलोंग करेगा और बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ डेफिनेशन ऑफ टाउ क्या कह सकते हैं हम वी फाई होगा या फिर वी का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट होगा। अब वी तो फाई तो नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर एक एलिमेंट यहां पर ए बिलोंग करता है तो इसका मतलब वी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फाइनाइट सेट वी कॉम्प्लीमेंट इज अ फाइनाइट सेट। अब यहां पर दोस्तों ये जो सीक्वेंस है उसके लिए हमें यहां पर क्या दिखाना है उसके कुछ फाइनाइट टर्म को शॉर्ट कर उसके सारे टर्म्स वी में बिलोंग करने चाहिए। अब यहां पर इजीली देख सकते हैं आप वी के जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसा सेट है फाइनाइट सेट यानी कि वी के कॉम्प्लीमेंट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो फिर वो सीक्वेंस के भी फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे यानी कि ये जो वी कॉम्प्लीमेंट है उसमें सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म ही होंगे। अब सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म होंगे तो इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें सीक्वेंस के सारे टर्म होंगे कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ के और वी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वी होगा। तो इसका मतलब हियर वी कैन फाइंड कैपिटल एन बिलोंग्स टू इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर such that for every small n greater than or equal to capital N xn belongs to V। तो इसका मतलब क्या हुआ ये जो सीक्वेंस xn है वो कहाँ कन्वर्ज करेगी A पर कन्वर्ज करेगी और हमने यहाँ पर V कोई भी ओपन सेट लिया था कंटेनिंग A तो यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस मिली जो कन्वर्ज करती है इन x। तो यहां पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है नो सीक्वेंस इन एक्स इज कन्वर्जिस इन एक्स तो वो स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट एवरी सीक्वेंस इन एक्स इज कन्वर्जिस टू यूनिक पॉइंट इन एक्स। तो चलिए देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। फॉर स्टेटमेंट फॉर क्या है स्टेटमेंट एवरी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जिस टू यूनिक पॉइंट इन एक्स। तो यहां पर दोस्तों मैं एक सीक्वेंस डिफाइन करता हूं लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस
इन एक्स सच दैट, एक्सएन सीक्वेंस कैसे डिफाइन करता हूं मैं यहां पर, उसके जो सारे टर्म है वो डिफरेंट है, यानी कि यहां पर मैं एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस डिफाइन करता हूं। तो यहां पर लिखता हूं मैं सच दैट एक्स आई इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर लेस देन एक्स आई प्लस वन फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू एन। यहां पर दोस्तों मैं मान लेता हूं सपोज एक्स इज अ पार्शियली ऑर्डर सेट, यानी कि उसके जो एलिमेंट्स है उसके बीच में हम ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। हमें यहाँ पर कोई भी इनफाइनाइट सेट दिया गया है तो इसका मतलब वो पार्शियल ऑर्डर सेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस डिफाइन की, कैसी सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब ये जो सेट है एक्स उसमें से कोई भी एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पर, लेट ए बिलोंग्स टू एक्स, और ये जो पॉइंट ए लिया है मैंने एलिमेंट ए उसको कंटेन करने वाला एक मैं ओपन सेट लेता हूं। नाउ लेट वी बी ए वी बी एन ओपन सेट कंटेनिंग ए। अब मैं क्या प्रूव करूंगा, सीक्वेंस एक्स एन है वो कहां कन्वर्ज करेगी, ए पे कन्वर्ज करेगी, मैं वो प्रूव करना चाहता हूं। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसके जो सारे ओपन सेट होंगे उसको कंटेन करने वाले उसमें सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़कर सीक्वेंस के सारे टर्म उसमें बिलोंग करने चाहिए। तो यहां पर मैंने कोई भी ओपन सेट लिया कंटेनिंग ए, तो हमें यहां पर क्या प्रूव करना है, ये जो वी है उसमें सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म के छोड़कर सीक्वेंस के सारे टर्म उसमें बिलोंग करते हैं। तो यहां पर हमने जैसे आगे देखा वैसे से हम यहां पर करते हैं, हियर वी बिलोंग्स टू टाउ, दैट इज वी कॉम्प्लीमेंट इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि वी कभी एम्प्टी हो नहीं सकता क्योंकि वहां ए बिलोंग करता है। तो इसका मतलब वी कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सीक्वेंस के टर्म है कुछ फाइनाइट टर्म, सपोज वो मान लेते वी कॉम्प्लीमेंट है, उसमें सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म आएंगे, यानी कि सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़कर सीक्वेंस के सारे टर्म कहाँ बिलोंग करेंगे, वी में बिलोंग करेंगे। तो यहां पर से हम कह सकते हैं सो हियर वी गॉट सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जिस टू ए। अब मैं दोस्तों एक दूसरा पॉइंट लेता हूं जो ए के इक्वल ना हो, लेट ए नॉट इक्वल टू बी बिलोंग्स टू एक्स, एंड नाउ लेट कैपिटल यू बी एनी ओपन सेट कंटेनिंग बी। बी को कंटेन करने वाला में कोई भी ओपन सेट यू लिया है। अब दोस्तों सेम इसी तरह ये जो हमने यहां पर डिस्कस किया सेम इसी तरह मैं यहां पर क्या प्रूव कर सकता हूं, हियर एक्स एन ऑल्सो कन्वर्जिस टू बी। तो यहां पर हमें एक सीक्वेंस मिली जो दो डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, एवरी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जिस टू यूनिक पॉइंट इन एक्स। लेकिन हमने यहां पर क्या फाइंड किया, एक ऐसी सीक्वेंस फाइंड की जो डिफरेंट पॉइंट दो डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या आएगा, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट, यानी कि एक्स इज अ कॉम्पैक्ट। दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन है वो पार्ट बी में से पूछा गया है, यानी कि यहां पर मैं ऑप्शन नंबर बी को राइट प्रूव कर यहां पर स्टॉप कर सकता था, लेकिन यहां पर मैंने सारे ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया। तो ऐसे इक्वेशन के सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।
थैंक यू दोस्तों।